हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। हमने स्ट्रेट लाइन में बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। आज का हमारा प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज 6.4 एंड बी इज अ 2.12 इज द स्लोप ऑफ 2.12 बी टू गिवन पॉइंट्स बी टू गिवन पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स फाइंड द स्लोप फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB परपेंडिकुलर टू AB। क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज अ 6.4, ए क्या है तुम्हारा 6.4 और बी क्या है तुम्हारा 2.12। बी टू गिवन पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, यानी आपको किसका स्लोप निकालना है, आपको स्लोप निकालना है जो AB को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देखो डायग्राम बना लो, डायग्राम से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। AB निकालता हूं मैं, ये तुम्हारा A है जो कितना था 6.4 और ये तुम्हारा क्या है B है जो कितना है 2.12। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB को जो भी लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, AB को जो भी लाइन परपेंडिकुलर रहेगी उसका स्लोप निकालना है ना। तो मैं मान लेता हूं ये आपकी लाइन है जो क्या है AB को परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, अब देखो AB का परपेंडिकुलर, AB को परपेंडिकुलर लाइन ये है, आपको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले तो ध्यान में देना कि मैं इसके स्लोप को मैं लेट कर लेता हूं, लेट स्लोप ऑफ AB इज m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB इज m2। ठीक है, मैंने AB का स्लोप m1 मान लिया और m2 का स्लोप और लाइन परपेंडिकुलर टू AB उसका स्लोप क्या मान लिया, मैंने m2 मान लिया। तो आपके पास रिलेशन है, मैंने बोला था अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिस लाइन सेगमेंट AB एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर प्रोडक्ट है ना, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा। अच्छा, इसका स्लोप हमने m1 मान लिया था, इसका स्लोप हमने m2 मान लिया था, यानी m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1 रहेगा। तो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट m1 into m2 इक्वल टू कितना, -1, और आपको क्या निकालना है, m2 निकालना है, आपको क्या निकालना है, m2 निकालना है। तो m2 यहां से क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू -1/m1। ठीक है, और m1 कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों पॉइंट गिवन है तो m1 आ जाएगा। तो आपका m1 क्या आएगा, आपका m1 आएगा यहां पे y2 - y1/x2 - x1, यानी 12 - 4। ठीक है, यहां पे मैं m1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, 12 - 4 y2 - y1/x2 - x1, यानी x2 क्या है, 2 - 6, ये ऊपर कितना आएगा 8 और नीचे कितना आएगा -4। ठीक है, डिवाइड कर देते तो -2। अच्छा, -2 यहां पे पुट कर दो तो m2 इक्वल टू -1/-2, माइनस से माइनस प्लस, और m2 का क्या आ जाएगा, 1/2। दिस इज योर आंसर। हमेशा ध्यान में रखना अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप एक दूसरे के क्या होते हैं, निगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं, निगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई सो दैट द लाइन थ्रू 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6 क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालना है, सो दैट ये जो लाइन है ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन और ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिमाग में आने को ना, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो यहां पे पॉइंट्स के नामकरण किए नहीं है, तो सबसे पहले तो लेट करो, लेट ए इज अ 3, y, B is a 2, 7, C is a -1, 4 and आपका D is a 0, 6। डायग्राम बनाते चलो, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है पिक्चर। ठीक है, अब देखो लेट कर लेता हूं, लेट A is a 3, y, B is a 2, 7। ठीक है, उसके बाद C is a -1, 4 and D is a 0, 6। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोला गया है कि आपका जो लाइन AB से जो लाइन पास हो रही है और CD से जो लाइन पास हो रही है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी गिवन कंडीशन बोल रहा है, अगर A अगर 3, y है और B क्या है तुम्हारा 2, 7 है, तो ये वाली लाइन किसको पैरेलल है, इसको, यहां से पास होने वाली लाइन, दैट इज नथिंग बट योर CD। ये तुम्हारा C है -1, 4 और तुम्हारा D है, ये तुम्हारा D है 0, 6। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा, दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। तो डायग्राम में ही मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा M1 है और ये तुम्हारा M2 है, मैंने डायग्राम में ही लेट कर लिया। ठीक है, अब दो पॉइंट्स गिवन है तो M1 आ जाएगा, दो पॉइंट्स गिवन है तो M2 आ जाएगा। तो मैं यहां पे स्लोप ऑफ AB निकालता हूं, स्लोप ऑफ AB दैट इज नथिंग बट योर M1। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा M1, एक बाय यूजिंग y2 - y1 यानी 7 - y अपॉन x2 - x1 यानी 2 - 3 यानी ये आ जाएगा कितना, 7 - y अपॉन -1। माइनस ऊपर लेके चले जाते हो तो ये क्या बनेगा, y - 7। ये आ गया तुम्हारा क्या, M1 आ गया। अब स्लोप ऑफ CD निकालता हूं, स्लोप ऑफ CD, अच्छा स्लोप ऑफ CD नथिंग बट योर M2, क्या है तुम्हारा M2 है। अच्छा M2 है तो बाय यूजिंग फॉर्मूला y2 - y1 यानी 6 - 4 अपॉन 0 - 1 0 - -1 तो ये +1 बन जाएगा। तो ऊपर में कितना बना, ये 4, तो ये 2 आ जाएगा, 2 upon 1 दैट इज 2। यानी M1 आ गया तुम्हारा कितना, y - 7 और M2 कितना आ गया तुम्हारा 2। तो यहां पे आप लिख सकते हो बट AB पैरेलल टू CD है ना, AB और CD क्या है, पैरेलल है। Therefore, मैं बोल सकता हूं M1 equal to क्या है, M2 है।
यानी आपको हमेशा ध्यान में रखना है दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा m1 इक्वल टू m2 है तो m1 कितना आया y माइनस 7 आया था और m2 कितना आया 2 आ गया, तो y की वैल्यू आएगी है ना, यहाँ पे ऊपर लिखता हूं मैं, क्या था m1 इक्वल टू क्या था m2 था है ना, तो m1 कितना आया था y माइनस 7 आया था और m2 कितना आया था 2 आया, तो y क्या आ जाएगा माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस y इक्वल टू 2 प्लस 7 दैट इज y इक्वल टू 9 दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह आपको क्या निकालना है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट, लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है नेगेटिव होता है माइनस 1 होता है, और लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं सेम होते हैं। अच्छा पैरेलल को ही कोलिनियर बोला जाता है, अच्छा कोलिनियर बोले तो पैरेलल बोले तो ये है ना, और कोलिनियर बोले तो अगर लाइन एक ही लाइन पे है, सपोज मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी और बी सी का स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा, ए बी और बी सी का स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा। तो कोलिनियर लाइंस के लाइंस अगर कोलिनियर है लाइंस अगर पैरेलल है तो आपस में उनके स्लोप क्या होते हैं सेम होते हैं, उनके स्लोप क्या होते हैं सेम होते हैं। हमेशा ध्यान में रखो लाइन कोलिनियर है या फिर लाइन पैरेलल है उनके स्लोप क्या होते हैं सेम होते हैं।